शाहिद खाकान अब्बासी साहब, जनाब राना सनाउल्ला साहब और पिंडी की बहुत मोहतरम कयादत जो इस वक्त स्टेज पर मौजूद है, और पिंडी डिवीजन के मेरे शेरों, मेरी शेरनियों, अस्सलाम वालेकुम। बड़ी आपकी जुर्रत को भी सलाम। ये जो मेरी खवातीन यहां पर इतनी बड़ी तादाद में आई हैं, ये मुझे नीचे से आवाजें लगा रही थी कि मरियम आई लव यू, मरियम लव्स यू टू। और बड़ी खुशी की बात है कि मुस्लिम लीग नून में उनके जलसों में, उनके कन्वेंशंस में, उनके गैदरिंग्स में खवातीन की तादाद बढ़ती जा रही है। बहुत अच्छी बात है, शाबाश। और अभी आप लोग नारा लगा रहे थे, मियां तेरे चाहने वाले, पिंडी वाले, पिंडी वाले। तो आज इस कन्वेंशन में इतनी बड़ी तादाद में आपने शिरकत करके इस बात का सबूत दिया है कि नवाज शरीफ चाहे लंदन में हो या लाहौर में हो, उसके चाहने वाले सिर्फ उसी को चाहते हैं। मियां साहब अगर आप सुन रहे हैं, मुझे पता है वो सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे लाइव, तो मैं पिंडी के अवाम की आवाज आपको पहुंचा दूं। पिंडी की अवाम कह रही है, मियां साहब वी लव यू। और मियां साहब ने यही कहना है जो मैं कह रही हूं, मियां साहब की तरफ से जवाब भी ले लो। मियां साहब ने कहा, पिंडी आई लव यू टू। और नवाज शरीफ साहब की पिंडी से मोहब्बत कोई ढकी छुपी नहीं। आज जब मैं इस कन्वेंशन में आ रही थी तो मुझे याद आ रहा था कि पहली मर्तबा जब नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बने तो पाकिस्तान की पहली मोटरवे का आगाज उन्होंने रावलपिंडी से किया। और पिंडी का हर मंसूबा नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मोहब्बत की गवाही दे रहा है, चीख चीख कर कह रहा है, चाहे वो मेट्रो बस मंसूबा हो या वो रावलपिंडी कार्डियोलॉजी RIC हो, जहां आज भी गरीब का दिल का मुफ्त इलाज होता है, या रावलपिंडी यूरोलॉजी हॉस्पिटल हो, या रावलपिंडी से मरी जाने वाली एक्सप्रेसवे हो, हर मंसूबा चीख चीख कर कह रहा है कि नवाज शरीफ पिंडी से मोहब्बत करता है। यूनिवर्सिटीज हैं, जो कॉलेजेस हैं, जो खेल के मैदान नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने बनाए हैं, मैं अभी वो मंसूबे गिनने लग जाऊं तो मगरिब हो जाएगी। लेकिन एक बात जरूरी है, एक वो भी हुक्मरान रहा है जो 4 साल यहां पर बनी गाला में छुपकर बैठा था, वो घड़ी चोर। कौन? नवाज शरीफ खिदमत में मसरूफ रहा, वो घड़ियां चोरी करने में मसरूफ रहा। ऐसे ही पाकिस्तान का ये हाल नहीं हुआ, वो घड़ियां चोरी करता रहा। अभी उस पे भी आ जाते हैं। नवाज शरीफ के मैंने इतने मंसूबे गिनवा दिए, उस शख्स ने पाकिस्तान की 75 साल तारीख के कर्जे एक तरफ, वो अकेला 24,000 अरब के कर्जे लेकर एक मंसूबा बताओ जो पिंडी में लगाया हो है। कोई मंसूबा लगाया पिंडी वालों? एक चीज आप भूल गए, एक मंसूबा लगाया उसने, वो रावलपिंडी
रिंग रोड मंसूबा जो कि शहबाज शरीफ का मंसूबा था, उसमें माल बनाने का मंसूबा जरूर लगाया उसने। और वो जो अल कादिर ट्रस्ट था जिसमें वो पंजाब को और पाकिस्तान को 50 अरब का टीका लगाकर चलता बना, उसका ट्रस्टी भी खुद बन गया और दूसरी ट्रस्टी अपनी वाइफ को बना गया, वो भी मंसूबा इमरान खान का था। पिंडी वालों, पिंडी वालों एक सेकेंड, मुझे अभी मलिक इब्रार साहब कह रहे थे और मेरे जेल के साथी हनीफ अब्बासी साहब कह रहे थे कि मुस्लिम लीग नून के वर्कर में बड़ी जान है, तो मैंने कहा अगर मुस्लिम लीग नून के वर्कर में जान ना होती तो पिछले 5 साल जो मुस्लिम लीग नून के लीडरान और जमात और अरकान और वर्कर के साथ हुआ है, आज उसके बाद भी अगर वर्कर इस तरह सीना तान के खड़ा है तो जान है तो खड़ा है ना। लोग मुझे मुबारक देते हैं, कहते हैं मुबारक हो आपको मुस्लिम लीग नून के चीफ ऑर्गेनाइजर का ओहदा मिल गया। मेरी मुबारक, ये मेरी मुबारक नहीं है, ये अल्लाह ताला के शुक्र के बाद इन कारकुनों की मुबारक है, आपको मुबारक हो। ये पहली मर्तबा नहीं है कि नवाज शरीफ को और शहबाज शरीफ को तबाह हाल पाकिस्तान मिला। पाकिस्तान की तारीख गवाह है, जब जब भी नवाज शरीफ को पाकिस्तान मिला तेजी से नीचे की तरफ जाता हुआ पाकिस्तान मिला। मुश्किलात पैदा करके कोई और जाता है और उसको ठीक करके नवाज शरीफ जाता है, और जब ठीक कर देता है तो उसको कहते हैं चलो भाई छुट्टी करो, निकलो, सिर्फ दफ्तर से ना निकलो, इस मुल्क से भी निकल जाओ, उसको देश निकाला दे देते हैं। कल मुझे किसी ने पूछा नवाज शरीफ कब वापस आ रहे हैं, मैंने कहा वो इस मिट्टी का बेटा है, इधर ही वापस आएगा, लेकिन पहले ये बताओ बार बार उसको जाना क्यों पड़ता है मुल्क छोड़कर। लेकिन मुश्किलात को ठीक करने वाला एक ही नाम है, मोहम्मद नवाज शरीफ। हमारे लोग कहते हैं कि हमारा मुकाबला इमरान से नहीं महंगाई है, तो पिंडी वालों जरा हाथ उठाकर बताओ क्या महंगाई और इमरान एक ही चीज के दो नाम नहीं? महंगाई का दूसरा नाम क्या है? महंगाई का दूसरा नाम महंगाई खान इमरान खान है। और मेरे भाइयों बुजुर्गों, मेरे बच्चों, बड़ी तादाद में यहां नौजवान खड़े, मेरा खून 2 किलो बढ़ जाता है जब मैं आपको देखती हूं। लोग कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून के पास नौजवान नहीं है, इस इलेक्शन में पता चलेगा कि मुस्लिम लीग नून के पास नौजवानों की सबसे बड़ी फौज है इंशाल्लाह। जीवे मरियम नवाज, जीवे मरियम। मेरा हाथ उठा के खसूसी तौर पे खवातीन, जब इमरान खान नहीं था तो क्या महंगाई थी पाकिस्तान में? जब इमरान खान नहीं था और नवाज शरीफ था तो 4 साल रोटी 2 रुपए से 5 रुपए तक बिकती थी, आटा 35 रुपए किलो से बढ़ा नहीं, घी 140 रुपए से किलो से बढ़ा नहीं, चीनी 50 और 55 रुपए किलो से आगे नहीं बढ़ी। क्यों? सब्जियां चंद रुपए किलो थी, घी सॉरी सब्जियां जो टमाटर प्याज आलू सब चंद रुपए किलो थे, क्यों? और गरीब पेट भरकर सोता था ना। जब से इमरान खान आया इस मुल्क से महंगाई जाने का नाम नहीं ले रही। इंशाल्लाह
महंगाई और इमरान को इकट्ठे उठाकर बाहर फेंकेंगे। मिंडी वालों जरा मुझे बताओ कि आईएमएफ से जो अभी निगोसिएशंस कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब और इसहाक डार साहब, क्या इमरान खान को नहीं बिठाना चाहिए था आईएमएफ के आगे? आईएमएफ के आगे इमरान खान को बिठाना चाहिए था और बताना चाहिए था इमरान खान को, कौम को, कि ये जो मैं कौम को महंगाई की दलदल में फंसा कर जा रहा हूं और खुद जाके जमान पाक के बंकर में छुप के बैठ के आवाम का तमाशा देख रहा हूं, जरा बताओ आकर कि जंगल में आग लगाने वाले को कटहरे में खड़ा करना चाहिए या आग बुझाने वाले को? शेरों शेरनियों ये बात पल्ले से बांध लो कि जो बारूदी सुरंगें इमरान खान आईएमएफ मुआहदे की शक्ल में बिछा कर गया है, शहबाज शरीफ दिन रात एक करके वो बारूदी सुरंगें चुन रहा है और इंशाअल्लाह ताला इस वक्त बहरानों में मुल्क है, मईशत सिर्फ बनी गाला और जमान पाक की ठीक हुई है, मुल्क की मईशत बेड़ा गर्क हो गई है। और ये भी याद रखना कि मईशत को ठीक होते होते भी चंद साल लगेंगे, लेकिन अगर मईशत को मुस्लिम लीग नून ठीक नहीं कर सकती तो पाकिस्तान की कोई दूसरी जमात ठीक नहीं कर सकती। जीवे मरियम नवाज, जीवे मरियम नवाज। आईएमएफ का मुआहदा नहीं है, जिसका मुजरिम इमरान खान है, जिसको ये खातून खाना कहता था ना अपनी, ये जो खातून खाना किसको कहता था, वो मुल्क का हाल ये आईएमएफ की वजह से नहीं हुआ, ये उस खातून खाना की वजह से हुआ है जो असल में खातून खाना थी। और कहते वो घरेलू खातून है, वो मासूम खातून है, भाई बड़ी घरेलू खातून है जो एक एक फाइल पे दस्तखत के बस पांच पांच कैरेट के हीरे की अंगूठी मांग रही है। तो लूटने पर लगे थे जेबें भरने, जो आवाम को आज कह रहे हैं ना जेलें भरो, वो अपने चार साल जेबें भरने पर लगा था, इसीलिए मुल्क का आज ये हाल है। देखो मुस्लिम लीग नून भी तीन मरतबा वजारत उज़्मा मुस्लिम लीग नून के पास रही, कोई एक ऑडियो लीक दिखा दो जिसमें कभी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने कहा हो कि साइफर पर खेलेंगे अब, कि पांच कैरेट की अंगूठी दे दो मैं कल फाइल पे दस्तखत करा देती हूं। कोई एक ऑडियो सुनवा दो वो नहीं मिलेगी, क्योंकि नवाज शरीफ को इस कौम का दर्द है। और क्योंकि कारकर्दगी सिफर थी, खैबर पख्तूनख्वा के 10 साल देख लो और शहबाज शरीफ के 10 साल देख लो, नवाज शरीफ के 4 साल देख लो एंड इमरान खान के 4 साल देख लो, क्योंकि कारकर्दगी कोई नहीं, कारकर्दगी जीरो। आज बताने के लिए एक मंसूबा भी नहीं है, आज भी अपनी हुकूमत नहीं, लेकिन कागज से पढ़ के गलत बताता है कीमतें, आज भी गलत बता रहा है, क्यों? और कागज से पढ़ रहा है और गलत बता रहा है। तो क्योंकि कारकर्दगी कोई नहीं थी तो पहले इस्टैब्लिशमेंट के कंधों पे चढ़ के आ गया, उन्होंने पिछली इस्टैब्लिशमेंट से सबक सीखा, जनरल फैज के चेले चांटों से सबक सीखा और इस गंद को कंधों से उतार कर दूर फेंक दिया। अब इस्टैब्लिशमेंट के कंधे नहीं रहे तो अब अदलिया के कंधों पे चढ़ के आने की तैयारी कर रहा है। तो आइए वो परवेज इलाही साहब की सुनिए ना क्या कह रहा है,
कह रहा है जस्टिस मुजाहिर अली नकवी की अदालत में बेंच बनवा दो ताकि हमारा मामला हल हो जाए। इस मुल्क को ईमानदार जजेस की जरूरत है, इमरानदार जजेस की जरूरत नहीं है। और फिर यास्मीन राशिद साहिबा कल ऑडियो में कह रही थी वो डोगर साहब को जिनको अभी अभी सुप्रीम कोर्ट के चंद जजेस ने लगाया है, उसको कह रही थी फिक्र ना करो सुप्रीम कोर्ट में साढ़े बंदे बैठे हुए ने, ते किन्नू दस रहे हो सानू भी पता है साढ़े बंदे बैठे हुए ने। और आप ये देखो उनका नाम आए हुए कितने दिन गुजर गए, इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं कि जस्टिस मुजाहिर अली नकवी क्योंकि उनका नाम आया है जरा इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करें और इस्तीफा दें और अदलिया पर लगने वाले धब्बे को मिटाएं। क्या इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? और अदलिया को भी चाहिए कि ऐसे अनासिर का एहतसाब करे। मैं अदलिया पूरी की बात नहीं करती, मुझे पता है कि हमारी अदलिया में बहुत ईमानदार इंटेग्रिटी वाले जजेस भी हैं, इसलिए मैं अदलिया की बात नहीं करती, मैं फैज के चेले चांटों की बात करती हूं जो फैज के जाने के बाद भी आज उसका काम कर रहे हैं। तो याद रखना तारीख में ऐसे जजेस का नाम ऐसे आएगा जैसे बाबा जहमत का नाम आता है मुंह छुपा के वो आज जाता है। अवाम को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, आज किसी जो पब्लिक की तकरीब होती है उसमें जाने के बाबा जहमत काबिल नहीं है, मुंह छुपा के जाता है। ऐसे जजेस को बाकी मानदा जिंदगी मुंह छुपा कर गुजारनी पड़ती है। तो और कह रहा है ऊपर से कह रहा है कि मुस्लिम लीग नून जजेस के खिलाफ मुहिम चला रही है, ऑडियोस तुम्हारी लीक हो रही है और जजेस के खिलाफ मुहिम मुस्लिम लीग नून चला रही है और तुम्हारी ऑडियोस में नाम आने की वजह से जजेस की जो तहजीक हो रही है वो मुहिम मुस्लिम लीग नून चला रही है। बार बार अदलिया तुम्हें कह रही है, अदालत तुम्हें कह रही है इमरान खान अदालत में आ जाओ, जमानते मांगते हैं, वो कहता है अदालत, वो अदालत बुलाती है तो कहता है मेरी टांग खराब है। वो कौन सा प्लास्टर है, वो कौन सा प्लास्टर है पिंडी वालों बताओ जो पांच महीने से उतरने का नाम नहीं ले रहा। अदालत तुम्हें बुला बुला कर थक गई। देखो एक मेरी बात सुनो, नवाज शरीफ ने तो 200 पेशियां भुगती, मैंने नवाज शरीफ का हाथ पकड़कर हफ्ते में 5-6 दिन हम अदालत में, इधर ही पिंडी इस्लामाबाद की अदालतों में मैं और मेरा बाप रोज खड़े होते थे और कहा जाता था 1 घंटे में नवाज शरीफ को पेश किया जाए। वो कानून के आहिनी हाथ जो नवाज शरीफ के लिए फौलाद के हुआ करते थे आज इमरान खान के लिए वो मोम के हाथ क्यों बन गए? मुझे जरा जवाब दो, नवाज शरीफ को ये सहूलत हासिल थी, ये हुआ 6 बजे अदालत ने कहा 6 बजे इमरान हाजिर हो, उसने कहा मैं नहीं आ सकता, उन्होंने कहा 7 बजे हाजिर हो, उसने कहा मैं नहीं आ सकता, उन्होंने कहा 8 बजे हाजिर हो, उसने कहा मैं नहीं आ सकता, उन्होंने कहा अच्छा नहीं आ सकते तो कुछ दिनों के बाद पेश हो जाना। ये सहूलतकारी नवाज शरीफ को हासिल थी? सहूलतकारी तुम्हारी हो रही है और मुहिम मुस्लिम लीग नून चला रही है, शर्म करो शर्म करो। और ये बता दूं इसका कोई इकामा वाला केस नहीं है, बेटे से तनख्वाह ना लेने वाला केस नहीं है, इसके केसेस असल हैं। तिरियन खान वाला जो इसकी बेटी का केस है जिसके बारे में इसने झूठ बोला, कौन से वो केस सच्चाई के झूठा है? तोशाखाना का केस सच्चाई के झूठा है? फॉरेन फंडिंग वाला केस सच्चाई के झूठा है?
अलकादे ट्रस्ट वाला केस सच्चा है कि झूठा है? तो सच्चे केसेस होने के बावजूद आज जब अदालत बुलाती है तो कहता है या तो टांग का प्लास्टर दिखा देता है या कहता है मैं एक बुजुर्ग आदमी हूं, मुझे ना बुलाओ। चलो इसी बहाने इसने ये तो मान लिया कि ये बुजुर्ग आदमी है, बुजुर्गी को पहुंच गया है। और अल्लाह ताला की शान देखो, नवाज शरीफ की बीमारी का मजाक उड़ाने वाला आज हर बात में अपना प्लास्टर दिखा देता है, कहता है मेरी तो टांग टूटी हुई है। लोगों को कहते हैं जेलें भरो, लोगों को कहते हैं जेलें भरो, और खुद रात को डोगर को फोन करके कहते हैं कहीं आज पुलिस मुझे पकड़ने तो नहीं आ रही। आज की रात खैरियत से गुजर जाएगी ना? और फिर जब डोगर साहब कहते हैं कि मुझे इमरानदार जज ने मुझे आपके लिए भेजा है, आज सो जाएं कुछ नहीं होगा, तो फिर बाहर झांक के देखता है कि खवातीन और बच्चे खड़े हैं ना मुझे डिफेंड करने के लिए, गिरफ्तारी से बचाने के लिए। पिंडी वालों हंसना नहीं है, ये लतीफा नहीं है, ये सच्ची बात है। क्या बुजदिल आदमी पाकिस्तान की कौम का लीडर हो सकता है? मुस्लिम लीग नून का एक एक लीडर, चाहे वो हनीफ अब्बासी हो या वो शाहिद खाकान अब्बासी हो या राणा सनाउल्लाह हो, शेर का जिगर चाहिए गिरफ्तारी देने के लिए, शेर का जिगर। ये बुजदिल खान और इसकी पूरी जमात मिलकर भी मुस्लिम लीग नून की एक खातून रहनुमा का भी मुकाबला नहीं कर सकते। जुर्रत और बहादुरी मुस्लिम लीग नून का निशान है, शेर का निशान है। प्लास्टर ना हो गया, टांग का प्लास्टर ना हो गया, पेशावर की बीआरटी हो गई जो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। और फिर हम लोग 6-6 महीने जेल काट के आए, डेथ सेल्स में रह के आए। राणा सनाउल्लाह साहब से पूछें, शाहिद खाकान अब्बासी से पूछें, हनीफ अब्बासी से पूछें, मुझसे पूछें, एक दिन नहीं रोए, एक दिन नहीं रोए। उस मालिक का करम है, एक दिन नहीं रोए। भाई जेलें बाद में भरना, वो जो दो दो तीन तीन दिन तुम्हारे लोग जेल काट के आ रहे, पहले उनका रोना धोना तो बंद कराओ। कोई बुजुर्ग हो गया, कोई बीमार हो गया, किसी को बच्चे याद आ गए, तो क्या मुस्लिम लीग नून में बुजुर्ग नहीं थे? क्या मुस्लिम लीग नून वालों के बच्चे नहीं थे? मेरी 14 साल की बेटी के सामने इन्होंने मुझे गिरफ्तार किया, वो रोती रह गई और मैंने उसको कहा घबराना नहीं, मुझे मेरे बाप के सामने से गिरफ्तार किया, वो बाप जो खुद कैदी था। मैं अपने बाप को कह के आई कि आपने घबराना नहीं। मुस्लिम लीग नून का लीडर भी शेर दिल है, मुस्लिम लीग नून का वर्कर भी शेर दिल है, शाबाश। और डर के क्या बैठे हो बंकर में? तुम्हारा क्या ख्याल है जिस दिन राणा सनाउल्लाह ने तुम्हें गिरफ्तार करना हुआ उस दिन क्या तुम्हें डोगर साहब बचा लेंगे?
जिस दिन राणा सनाउल्लाह ने तुम्हें गिरफ्तार करने का फैसला कर लिया, तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। और हम किसी से इंतकाम नहीं लेना चाहते, लेकिन इसके केसेस सच्चे हैं, नवाज शरीफ की तरह सियासी केसेस नहीं है, इसीलिए ये अदालत में पेश नहीं होता। इसको पता है मेरे केसेस सच्चे हैं। लोगों को चोर चोर कहने वाला, लोगों को चोर चोर कहने वाला पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा चोर निकला, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डकैत निकला। मुल्क में आग लगाकर अपनी जेबें भर के आज बनीगाला में भी नहीं बैठा, आज जमान पाक के बंकर में बुजदिलों की तरह छुप के बैठा है। तो शेरों मुझे बताओ, इलेक्शन के लिए तैयार हो? जो मुस्लिम लीग नून को ये कहते हैं कि शायद मुस्लिम लीग नून इलेक्शन नहीं लड़ना चाहती, तो कान खोल के सुन लो, मुस्लिम लीग नून सिलेक्शन से नहीं आई जो इलेक्शन से डरती हो। मुस्लिम लीग नून मैदान में उतर चुकी है अल्लाह ताला के फजलो करम से। और ये भी सुन लो, मुखालिफीन को जो छुप कर बैठे उनको खबर हो कि मुस्लिम लीग नून न सिर्फ मैदान में उतर चुकी है बल्कि इलेक्शन जीतने के लिए मैदान में आई है। जीवे मरियम नवाज़, आई कौम की बेटी, जीवे मरियम नवाज़। जो हम पर इलेक्शन से भागने का इल्जाम लगा रहे हैं, खुद चूहे की तरह बिल में दुबक कर बैठे हैं। देख लो, मुस्लिम लीग नून आज मैदान में खड़ी है, इलेक्शन की तैयारी कर रही है। और शेरो, इलेक्शन सिर्फ लड़ना नहीं है, जीतना है इंशाल्लाह। और आपको ये तसल्ली होनी चाहिए कि ना सिर्फ आपकी बहन को जिम्मेदारी मिली है, मैं आप सबसे वादा करती हूं कि मैं अपनी जान लड़ा दूंगी इंशाल्लाह ताला। और इंशाल्लाह ताला हर बार की तरह मुस्लिम लीग नून ही इस मुल्क को बचाएगी। मुस्लिम लीग नून ही अल्लाह ताला के फजलो करम से आपको मुश्किलात से निकालेगी। मुस्लिम लीग नून ही दोबारा पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पे डालेगी। YouTube पर Google News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Google News TV टाइप करें। Google News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।